Now, fifth question है, find value of other trigonometric functions if tangent x is equal to minus 5 by 12. तो tangent x क्या दिया हुआ आपको? Minus 5 by 12 और x in second quadrant. तो tangent दिया है तो हम सबसे पहले cot निकालते हैं. Cot x is equal to 1 by tangent x होता है. तो 1 by minus 5 by 12 हो गया. तो माइनस 12/5 ये आ गई पहली वैल्यू. अब इसमें हम सीकेंट और टेंजेंट वाली आइडेंटिटी ले लेते हैं. 1 प्लस टेंजेंट स्केयर एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर एक्स होता है. तो 1 प्लस माइनस 5/12 का स्केयर हो गया इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर एक्स. तो 1 प्लस 25/144 इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर एक्स. इसका एलसीएम लेके इसको प्लस कर लेंगे. 144 प्लस 25 इज इक्वल टू सीकेंट स्केयर एक्स यानी 169/144. तो हमारा सीकेंट एक्स कितना आ गया? अंडर रूट 169/144 यानी प्लस माइनस 13/12. ये आ गई वैल्यू सीकेंट एक्स की. अब सीकेंट एक्स हमारा आ गया सीकेंट एक्स. तो सीकेंट हमारा जो है सीकेंट और कोस की वैल्यू सेम होती है. कोस ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोस की वैल्यू एक्स पे डिपेंड करती है. सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स नेगेटिव होता है तो एक्स की वैल्यू सेकंड में नेगेटिव होती है तो सीकेंट एक्स और कोस एक्स दोनों जो है नेगेटिव होंगे. तो सीकेंट एक्स इज इक्वल टू माइनस 13/12. तो इसमें हमारा टेंजेंट था हमारे पास कोट आ गया सीकेंट आ गया. अब हम निकालते हैं कोस. कोस एक्स इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट होता है यानी 1 बाय माइनस 30/12 हो गया. तो माइनस 12/13 आ गया इसका आंसर. कोस आ गया हमारे पास. अच्छा अब हम निकालेंगे साइन. निकालते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इंटू टेन एक्स होता है. तो साइन एक्स कितना आ गया? कोस हमारे पास है माइनस 12/13 और टेंजेंट है जो माइनस 5/12. ये हमारा 12 कैंसिल हो गया माइनस से माइनस और 5/13 आ गया. और अभी आता है हमारे पास कोसिकेंट रहेगा. कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 1 बाय साइन एक्स यानी 1 बाय 5/13. तो 13/5. तो हमारे पास सारी वैल्यूज आ गई. अब सबसे पहले साइन एक्स 5/13 और कोसिकेंट एक्स 13/5. कोस एक्स है माइनस 12/13 और सीकेंट एक्स आया था माइनस 13/12. टेन एक्स हमें दिया हुआ था माइनस 5/12 और कोट एक्स आ जाएगा माइनस 12/5. तो ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई है. नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन 765 डिग्री. इसकी वैल्यू निकालनी है. जैसे कि पता है कि सारी की सारी छह ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं जो सभी की सभी 2π के बाद रिपीट होती हैं. एवरी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू रिपीट्स आफ्टर एवरी 2π या 360 बोल सकते हैं हम. तो हर 2π के बाद रिपीट होती है. अब इसमें कितने 2π हैं इसको हम ये लिख सकते हैं साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 360 यानी 720 प्लस 45. अब इस यहाँ तक तो वैल्यू वही होगी 360 दो बार हो गया और इसकी वैल्यू जो होगी साइन 45 के बराबर होगी क्योंकि इसके बीच में जो प्लस हो रहा है वो 360 का मल्टीपल है और साइन 45 होता है 1/√2. तो इसका मतलब साइन 765 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 आंसर आ गया. नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोसिकेंट माइनस 1410 डिग्री. इसकी वैल्यू निकालनी है. तो वही सेम चीज इसमें है कि 2π के बाद रिपीट होती है
रिपीट्स आफ्टर 2π यानी 360 डिग्री। तो ये इसमें अब देखिए 360 डिग्री माइनस है, तो माइनस में हम इससे ऊपर लेंगे, कितना प्लस होना चाहिए, 1410 है तो इसको हम ये लिख सकते हैं माइनस 1410 डिग्री प्लस 4 × 360 यानी 1440 हो गया। तो कोसिकेंट माइनस 1410 प्लस 1440 ये 360 का मल्टीपल है 2π का, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कोसिकेंट 30 डिग्री। अब कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होती है, 2, तो कोसिकेंट माइनस 1410 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। नाउ इट्स 8th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट 19π/3। टेंजेंट 19π/3 इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इसमें क्या आता है, टेंजेंट की वैल्यू जो है वो हर पाई के बाद रिपीट होती है, 2π के बाद तो होती ही होती है सबकी, पाई के बाद टेंजेंट की दोबारा होती है। टेंजेंट एक्स रिपीट्स आफ्टर एवरी पाई, हर पाई के बाद रिपीट होती है, तो इसको हम लिख सकते हैं टेंजेंट 6 1/3π यानी टेंजेंट 6π/π/3। तो 6π तक रिपीट हो रही है तो टेंजेंट π/3 लिख सकते हैं यानी टेंजेंट 60 आ गया। तो दिस इज अंडर रूट 3, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू अंडर रूट 3, तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट 90π/3 इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ये इसका आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट 9th क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन -11/3π। साइन -11/3π, दिस इज 11, -11/3π। अब साइन की वैल्यू, साइन रिपीट्स आफ्टर 2π, साइन की वैल्यू 2π के बाद रिपीट होती है, तो इसमें हम क्या करते हैं, हमेशा इससे बड़ा ले लेते हैं, जो 2π का जिसके बाद रिपीट हो रही है उसका मल्टीपल, अगर साइन है तो 2π का मल्टीपल ले लेंगे और अगर टेंजेंट है तो पाई का मल्टीपल जैसे हमने लिया। तो इसमें इसका देखिए आप, इससे छोटा लेना है हमने, तो -11/3 क्या होता है, 3 इसका जो है फुल इंटीजर क्या बनता है, 3 से डिवाइड हो रहा है, तो हम 4π ले लेंगे, तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन -11/3π प्लस 12/3π। नाउ दिस इज इक्वल टू साइन π/3, तो साइन π/3 कितना होता है, 60 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है, इट्स मीन्स साइन -11/3π इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2, इसका आंसर आ गया। नाउ 10th क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोट -15/4π। कोट -15/4π, वी नो दैट कोट एंड टेंजेंट्स बोथ रिपीट्स आफ्टर टू आफ्टर पाई, साइन कोस सीकेंट और कोसिकेंट ये सब 2π के बाद, और टेंजेंट और कोट पाई के बाद रिपीट होते हैं, तो कोट रिपीट्स आफ्टर पाई, तो कोट पाई के बाद रिपीट होता है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं कोट -15/4π प्लस 16/4 यानी 4π हो गया, तो दिस इज इक्वल टू कोट π/4। कोट π/4 इज इक्वल टू 1, तो इसका मतलब कोट -15/4π इज इक्वल टू 1, ये वैल्यू आ गई। तो यहाँ हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। अगर इस वीडियो में कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इसके नीचे कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू सो मच।